हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज भी निफ्टी इंडेक्स में तेजी देखने को मिली। 200 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी इंडेक्स बंद हुआ है। ये 5 मिनट का चार्ट है निफ्टी का, आज कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा था। लास्ट वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो जैसे हमने लेवल्स मार्क किए थे, फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट, तो सेकेंड टारगेट के पास ही ऑलमोस्ट ये ओपन हुआ। नीचे आया तो देखिए एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल के पास इसने सपोर्ट लिया और यहाँ से बाउंस बैक जब भी हुआ तभी फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट फिर से अचीव हुए। तो वेट करें, अगर गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो घाई मत करें, वेट करें। दोबारा से जब इस लेवल को या फिर ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक करके आगे बढ़ेगा तभी यहाँ पर पोजिशन लेना सही साबित होगा। और जो फिर से एक बार वन वे ट्रेंड हमें निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिला, तो ये जो तेजी आई है, जो बड़े संस्थाएं हैं, FIIs हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने काफ़ी भारत को प्रेस किया है। ब्लूमबर्ग ने किया है, सिटी ग्रुप ने किया है कि रिसेशन भी आता है पूरी दुनिया भर में तभी भी भारत की इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग है। तो इसके मद्देनज़र जो FPI है, बाहर के बड़े इन्वेस्टर्स जो है वो फिर से एक बार भारत की तरफ अट्रैक्ट हो चुके हैं। तो लगातार 4-5 दिनों से उन लोगों की तरफ से यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। तो अभी कल के लेके इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले डेली चार्ट को एक बार एनालिसिस करते हैं। डेली चार्ट में लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो हमने RSI और प्राइस एक्शन को कंपेयर किया था। RSI देखिए 7200 के जोन में आ चुका है। जब जब ये आता है 70 के पास तो ऊपर देखिए प्राइस एक्शन में फॉल आ जाता है, ठीक है। तो अभी लेकिन जो तेजी देखने को मिल रही है या अभी लगातार देखने को मिल रही है, लेकिन ये RSI क्या करता है, पहले ही हमें यहाँ पर सिग्नल देता है कि भाई यहाँ पर एक रिवर्सल आ सकता है, तो कॉशियस रहना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर कहाँ पर एक रेजिस्टेंस का लेवल बन सकता है, तो अभी प्राइस एक्शन में देखें तो लास्ट फॉल कहाँ से बन रहे थे, ये एक रेड कैंडल है, बड़ा कैंडल एक ये है, और फिर उसके बाद ये यहाँ पर। तो अगर हम इसको अगर देखें इस लेवल के आसपास कहाँ पर अभी का प्राइस है, तो आप देख सकते हो जहाँ से ये फॉल आया था, लास्ट जो फॉल आया था उसी के पास अभी ये निफ्टी इंडेक्स पहुँच चुका है। और अगर हम ये जो यहाँ पर नया स्विंग हाई लो बन रहा है इसको पकड़ के अगर हम फिबोनाची एक्सटेंशन को ड्रॉ करें, ये लो ये हाई और ये लो को पकड़ के, तो आप देख सकते हो 100% का लेवल ऑलमोस्ट यहाँ पर अचीव हो चुका है। तो अगर और भी यहाँ पर इस लेवल को ये पास कर देता है ऊपर की तरफ तो कहाँ पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ सकता है, तो और एक लेवल ऐड कर देते हैं यहाँ पर 123.6 का। तो आप देख सकते हो ये 17550 के आसपास आ रहा है। तो अगर 17350 के ऊपर सस्टेन करता है आर्ली चार्ट में तो हमें नेक्स्ट ये लेवल निफ्टी इंडेक्स में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। अभी काफ़ी ओवरबॉट हो चुका है, जैसे RSI में देखा हमने 7200 के जोन में आ चुका है, तो एक वेट करें, जब एक दोबारा से डीप आएगा, एक हल्का यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा तभी हम यहाँ पर एक फिर से नई बाय पोजिशन बना सकते हैं ओवरनाइट के लिए। तो फिलहाल ये डेली चार्ट का सीनारियो है, ज़बरदस्त तेजी निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल रही है। चलते हैं 60 मिनट की चार्ट के ऊपर। अभी कल के लिए ब्रेकआउट लेवल ऑब्वियसली आज के हाई के ऊपर ही होगा, 17366 ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट बनेगा 17399 का और सेकेंड टारगेट बनेगा 17425 का। और अगर टूअर्ड साउथ की तरफ आता है तो यहाँ पर देखिए एक रेड कैंडल बना था, एक पॉज लिया था, तो ये जो रेड कैंडल बना था इसका ओपन प्राइस 17270 के पास है, तो ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। इसके नीचे फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड एक छोटा सा क्विकली 17241 का और सेकेंड टारगेट होगा 17209 का, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये लेवल से अगर गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो वेट करें, दोबारा से इन लेवल्स को ब्रेक करके आगे बढ़ेगा तभी पोजीशन लेना सही साबित होगा। अभी चलते बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। बैंक निफ्टी में भी वन वे तेजी देखने को मिली थी आज। यहाँ पर भी आप देख सकते हो फर्स्ट टारगेट के पास ओपन हुआ था, नीचे आया तो ये 20-50 ये मैंने सपोर्ट का काम किया अच्छे से, यहाँ से बाउंस बैक हुआ, फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट अचीव हुआ, सेकेंड टारगेट को भी काफ़ी देर पेनेट्रेट किया, जैसे ही इसका ब्रेकआउट मिला और भी तेजी बैंक निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिली। अभी कल के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं इसके लिए 60 मिनट का चार्ट हम फॉलो करेंगे। ये 60 मिनट का चार्ट है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। कल का ब्रेकआउट लेवल आज के हाई के जस्ट अबाउ यानी 37958 ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा।
इसके ऊपर फर्स्ट टारगेट होगा 38041 और सेकंड टारगेट होगा 38118, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। टुवर्ड साउथ की तरफ आता है तो हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा अराउंड 37768। आप देख सकते हो एक दिन पहले कल जब गैप अप ओपन हुआ था फ्राइडे को, तभी यहाँ से एक करेक्शन आया था, तो ये जो रेड कैंडल है इसका हाई हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा 37768। इसके नीचे फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 37679 और सेकंड टारगेट होगा अराउंड 37590, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। ये निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप अकाउंट हमारे अंडर ओपन करते हैं तो हमारी इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, फाइव पैसा, एंजल ब्रोकिंग। अगर आप इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे अंडर ओपन करते हैं तो हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शंस, बैंक निफ्टी ऑप्शंस की, ये आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। इसके लिए आपको करना क्या है, अगर सपोज आपको ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करना है, आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है तो ये ज़ीरोधा का पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपका मोबाइल नंबर डालना है, कंटिन्यू करना है तो आगे की ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, रेडी है तो। और उसके बाद हमें आपको इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। तो एक छोटा सा इंट्रो था।